ड्रामा मूवी हेलो को एक्सप्लेन दोस्तों, करने वाले स्वागत है हैं हमारे नए जिसे वीडियो में। 2014 में आज रिलीज के किया वीडियो में गया हम था लोग एक रोमांटिक और इस ड्रामा मूवी का मूवी को नाम है एक्सप्लेन फ्लावर्स करने इन द वाले हैं एटिक। जिसे तो चलिए 2014 इस में मूवी को रिलीज शुरू किया करते गया था। हैं। और मूवी इस की मूवी का शुरुआत नाम में है हम लोग एक फ्लावर्स इन द फैमिली को देखते एटिक। हैं। तो ये चलिए इस सारे लोग मूवी को बहुत शुरू खुश करते हैं। हैं। इस मूवी की परिवार की शुरुआत लड़ी का में हम नाम लोग एक कॉरिन फैमिली है को देखते और हैं। उसके पति का ये नाम सारे लोग क्रिस्टोफर बहुत है। खुश हैं। इनके चार इस बच्चे परिवार की हैं। लड़ी का नाम इनमें कॉरिन से बड़े है बेटे का नाम और क्रिस उसके है पति का नाम और बेटी का क्रिस्टोफर नाम है। कैथी है। इनके चार इन लोगों बच्चे से हैं। दो छोटे ट्विंस इनमें से और बड़े हैं। बेटे का नाम जब क्रिस है क्रिस्टोफर अपने और बच्चों के बेटी साथ का नाम खेल रहा कैथी होता है। है इन उस लोगों से वक्त दो कैथी छोटे को ये पता ट्विंस चलता और है हैं। कि जब उसके फादर क्रिस्टोफर का अपने परमोशन बच्चों के हुआ साथ है। खेल रहा होता ये है बात जानकर उस वक्त कैथी खुश कैथी को नहीं ये होती पता है चलता है क्योंकि कि उसके उसके फादर अब फादर का और भी परमोशन बिजी हो हुआ है। जाएंगे, ये बात इसलिए वो जानकर अपने कैथी रूम में खुश आकर नहीं रोने होती लगती है है क्योंकि क्योंकि उसके वो अपने फादर अब डैड और के भी साथ बिजी टाइम हो स्पेंड करना जाएंगे। चाहती थी, लेकिन अपने परमोशन के बाद उसके डैड और भी बिजी हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें कैथी के साथ खेलने लेकिन का अपने टाइम नहीं परमोशन के मिलेगा। बाद क्रिस्टोफर उसके डैड और भी कैथी को बिजी हो समझाता जाएंगे। है उसे जिसके बाद कई उन्हें सालों के कैथी बाद के साथ परमोशन खेलने का मिली टाइम है नहीं मिलेगा। और उसकी सैलरी भी क्रिस्टोफर काफी बढ़ कैथी को गई है, समझाता है इसलिए वो इस उसे नौकरी कई को सालों छोड़ना के नहीं बाद चाहता परमोशन है। मिली है इसके और बाद वो उसकी कैथी को सैलरी एक भी रिंग काफी देता बढ़ है गई है। जो कि काफी इसलिए वो महंगी इस होती नौकरी को है, छोड़ना नहीं और वो चाहता कैथी है। से ये कहता इसके है बाद वो कैथी तुम्हें को एक मेरे रिंग जाने देता के बाद है इस फैमिली को जो कि संभालना काफी है। महंगी होती कैथी है। क्रिस्टोफर और के वो कैथी बातों से को ये सुनने के कहता बाद है हामी भरती तुम्हें है। मेरे जाने के अगले बाद दिन इस इनके फैमिली घर को में ट्विंस संभालना का है। जन्मदिन होता कैथी है, क्रिस्टोफर के इनके घर बातों में को एक सुनने पार्टी के होती बाद है, हामी भरती लेकिन है। इस पार्टी के अगले बारे दिन में इनके घर में क्रिस्टोफर ट्विंंस को का पता नहीं जन्मदिन था होता है। क्योंकि ये इनके लोग घर उसे में एक सरप्राइज पार्टी देना होती है चाहते थे, लेकिन इस तभी पार्टी के कार बारे की में आवाज आती क्रिस्टोफर है को पता नहीं और था सारे लोग क्योंकि क्रिस्टोफर ये को लोग उसे सरप्राइज देने सरप्राइज के लिए देना चाहते उस थे। रूम में छुप तभी जाते कार की हैं, आवाज आती लेकिन है ये लोग देखते और हैं सारे वहाँ लोग क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर को नहीं सरप्राइज है देने के और लिए वहाँ एक पुलिस उस रूम ऑफिसर में आया छुप है। जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर लेकिन ये यहाँ लोग आकर देखते इन हैं लोगों वहाँ से कहता क्रिस्टोफर है नहीं है क्रिस्टोफर और की वहाँ कार एक पुलिस एक्सीडेंट ऑफिसर में आया मौत हो है। गई है। वो पुलिस जब ये ऑफिसर बात यहाँ सारी आकर इन फैमिली को लोगों पता से चलती कहता है, है तब सारे लोग क्रिस्टोफर की सदमे कार में आ एक्सीडेंट जाते में हैं। मौत हो गई है। क्रिस्टोफर के जब मरने ये के बात बाद सारे इस फैमिली को घर में पता कमाने चलती वाला है कोई तब नहीं सारे होता लोग है, सदमे में आ क्योंकि जाते उतनी हैं। पढ़ी लिखी नहीं क्रिस्टोफर होती के है, मरने के इसलिए बाद वो अच्छी इस जॉब घर नहीं में कर कमाने सकती वाला थी। कोई नहीं वहीं होता हम लोग है। कॉरिन को कॉरिन देखते उतनी हैं पढ़ी लिखी जो नहीं कि किसी होती को है लेटर लिख रही इसलिए वो होती अच्छी है। जॉब नहीं कर कैथी जब सकती ये सब थी। देखती है वहीं तो हम उसे लोग ये सब कॉरिन को काफी देखते अजीब हैं लगता है। जो कि किसी कॉरिन को लेटर काफी लिख सारे रही लेटर्स होती है। भेजती है, कैथी जब ये तभी सब एक दिन देखती है उसे तो अपने उसे ये लेटर सब का जवाब काफी आता अजीब है। लगता है। वो उस लेटर कॉरिन को काफी पढ़कर सारे बहुत लेटर्स खुश होती भेजती है है। और वो कभी सारे एक दिन बच्चों उसे को अपने अपने नाना लेटर और का नानी जवाब के आता बारे है। में बताती वो है। उस लेटर को और वो पढ़कर अपने बहुत बच्चों खुश से ये होती है कहती है, और वो हम लोग सारे उन्हीं बच्चों के को घर अपने में नाना रहने और वाले नानी के हैं, बारे में क्योंकि बताती तुम्हारे है। नाना बहुत और वो अमीर अपने हैं। बच्चों से ये ये कहती सुनकर है सारे हम बच्चे लोग बहुत अब उन्हीं हैरान के घर होते में हैं, रहने क्योंकि वाले आज हैं तक क्योंकि कॉरिन ने तुम्हारे उन्हें नाना और नाना और नानी नानी के के बारे बारे में में कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं बताया बताया था। था। ये वो सुनकर इन सारे लोगों को बच्चे बहुत समझाती हैरान है, होते हैं हमारे पास क्योंकि आज पैसों तक की कॉरिन ने कमी उन्हें है, नाना और इसलिए नानी के हमें बारे उनके में पास कुछ भी जाना नहीं चाहिए। बताया था। वो इन लोगों को कैथी वहां समझाती जाना है नहीं चाहती हमारे थी, पास पैसों की लेकिन वो कमी है क्रिस के कहने पर इसलिए साथ हमें चलने उनके के लिए पास तैयार जाना हो जाती चाहिए। है। कैथी इसके वहां बाद जाना वो नहीं लोग वहां चाहती जाने के थी लिए ट्रेन लेकिन लेते वो हैं, क्रिस के कहने स्टेशन पर से साथ कुछ ही चलने के दूरी लिए पर तैयार वहीं हो जाना जाती था, है। इसलिए इसके ये बाद लोग वो लोग स्टेशन वहां से जाने के पैदल लिए ही ट्रेन जाने लेते लगते हैं। हैं। स्टेशन इसके से बाद कुछ ये ही लोग दूरी अपने पर वहीं नाना जा और रहा नानी के था। घर पहुंच जाते इसलिए ये हैं। लोग स्टेशन घर से पर हमें पैदल ही कॉलिन जाने की लगते मॉम जिसका हैं। नाम एरिन इसके है बाद ये वो लोग दिखाई अपने देती नाना और है। नानी के घर वो पहुंच इन जाती लोगों को है। देखकर ज्यादा घर खुश पर नहीं हमें होती कॉलिन है, की मॉम वो जिसका इन नाम लोगों से एरिन है कहती वो है दिखाई तुम देती लोग है। यहाँ ज्यादा वो शोर इन मत लोगों को मचाना। देखकर ज्यादा इसके खुश बाद नहीं वो होती इन है। लोगों को एक वो रूम इन में लेकर लोगों से जाती कहती है। है उसके तुम बाद लोग तो यहाँ ऐसा लग ज्यादा रहा शोर मत था मचाना। जैसे वो कॉलिन इसके को बाद वो बच्चों को इन पसंद लोगों नहीं को एक करती रूम में है, लेकर जाती उनकी है। बातों को ये उसके पता बाद तो चलता ऐसा लग है, रहा था जैसे वो उनकी मॉम कॉलिन ने की उनके बच्चों को नाना को पसंद यहाँ नहीं आने के करती बारे है। में कुछ उनकी भी नहीं बात तो बताया सुनकर है। बच्चों को ये कॉलिन पता इन चलता लोगों से है कहती है, उनकी मॉम ने सालों उनके पहले नाना को मैंने एक यहाँ आने गलती के की बारे थी, में कुछ भी जिसके नहीं वजह से बताया मेरे है। फादर ने कॉलिन मुझे इन लोगों जायदाद से से कहती निकाल है दिया सालों था, लेकिन पहले अब मैंने हमारी मेरी हालत गलती ठीक की नहीं थी है, जिसके इसलिए वजह से हमें मेरे उनका फादर ने भरोसा मुझे जीतना जायदाद होगा से निकाल दिया और था। अब मैं उन्हें लेकिन तुम अब सबके हमारी बारे में हालत ठीक बताऊंगी। नहीं है तभी एलन इसलिए को हमें कैथी के उनका हाथों में भरोसा एक रिंग जीतना दिखती होगा है, और अब जिसे मैं उसके उन्हें तुम फादर सबके क्रिस्टोफर बारे में ने उसे बताऊंगी। दिया था, तभी लेकिन एलन को एलन उस कैथी रिंग के को हाथों कैथी में से एक छीन रिंग लेती दिखती है, है क्योंकि जिसे उसके एलन फादर क्रिस्टोफर को क्रिस्टोफर पसंद ने नहीं उसे दिया करती था। थी। लेकिन इसके एलन उस अगले दिन रिंग को हम लोग कैथी से एलन को छीन देखते लेती हैं है जो कि क्योंकि सारे एलन बच्चों के क्रिस्टोफर लिए को खाना पसंद लेकर नहीं आती करती है, थी। और वो इसके इन अगले लोगों दिन को हम यहाँ लोग शोर एलन को करने से देखते मना हैं करती है, जो कि ताकि सारे घर बच्चों में के लिए काम खाना करने लेकर वाले आती नौकरों है को इनके बारे और में वो पता इन ना लोगों चले। को यहाँ शोर इनके करने भाई से बहन मना बहुत करती छोटे है थे, ताकि इसलिए घर में एलिन काम उन्हें करने एटिक वाले में खेलने नौकरों के को लिए इनके कहती बारे में है। पता ना चले। लेकिन इनके जब ये भाई लोग बहन
था और कॉलिन को गए हुए एक महीने गुजर जाते हैं। एक महीने के बाद कॉलिन अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है। इतने दिनों के बाद जब कैथी अपनी मॉम को देखती है तब वो उनसे पूछती है तुम नाना को हमारे बारे में कब बताने वाली हो। कैथी बार बार कॉलिन से ये पूछती है तुम नाना को हमारे बारे में कब बताने वाली हो। मैं तुम लोगों के बारे में डैड को कभी भी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि अगर डैड को ये बात पता चल जाती है तो मेरे कई बच्चे हैं तब वो मुझे घर से निकाल देंगे। जब कैथी और क्रिस ये सुनते हैं तब वो लोग बहुत शॉक होते हैं। इसके बाद कॉलिन यहाँ से चली जाती है। इन लोगों के यहाँ कई महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे क्रिसमस का वक्त आ जाता है। इसके बाद कैथी क्रिस ये कहती है अगर हम एलिन को एक ब्यूटीफुल क्रिसमस कार्ड बनाकर देते हैं तब वो शायद हमें यहाँ से आजाद कर देंगे। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर एक अच्छा सा क्रिसमस कार्ड बनाने लगते हैं लेकिन उस कार्ड को देखकर एलिन कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और उस कार्ड को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। ये सब देख कर बच्चों को बहुत बुरा लगता है। कुछ वक्त बाद कॉलिन फिर से इन लोगों से मिलने के लिए यहाँ आती है। वो यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी। तभी वो क्रिसमस कैथी को ये बताती है कि उसके पेरेंट्स आज क्रिसमस की पार्टी दे रहे हैं। कैथी यहाँ पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगती है लेकिन कॉलिन उसे मना करती है। लेकिन कैथी बार बार वहाँ जाने की जिद करती है। आखिरकार कॉलिन को उसकी बात माननी पड़ती है और उसे भी ऐसा लगता है जैसे बच्चे काफी समय से बाहर नहीं गए हैं। इसके बाद रात में कॉलिन उन दोनों को एक टेबल में छुपा देती है ताकि ये दोनों रात की पार्टी एंजॉय कर सके। तभी पार्टी में कॉलिन के डैड आते हैं। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। इधर कैथी और क्रिस पार्टी के बाद अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी वो कॉलिन को किसी आदमी के साथ देखते हैं। कॉलिन और वो आदमी एक दूसरे के काफी करीब थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कॉलिन उस आदमी से प्यार करती है। इसके बाद कैथी रूम में आती है लेकिन क्रिस इस घर में इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी ही देर में कॉलिन को ये बात पता चल जाती है कि क्रिस यहाँ नहीं है और क्रिस कहीं बाहर घूम रहा है। ये जानकर कॉलिन बहुत गुस्सा होती है। गुस्से में क्रिस को चाटा मारती है। वहीं अगले दिन जब क्रिस एक एडल्ट बुक पढ़ रहा होता है तभी कैथी वहाँ आती है और उसे ये बुक पढ़ते हुए देख लेती है। ये बात वो अपनी मॉम कॉलिन को बता देती है। कॉलिन कैथी को समझाती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके बॉडी में फिजिकल और केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। इसके बाद कॉलिन कैथी को ड्रेस देती है। जब कैथी इस ड्रेस को पहन रही होती है तभी क्रिस वहाँ आता है और वो कैथी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन उसी वक्त एलन भी वहाँ आ जाती है और इन दोनों को एक जगह पर देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के माँ बाप की तरह ही इन दोनों में भी कुछ चल रहा है। इसलिए वो अब कैथी को सजा देना चाहती है और वो कैथी के बालों को काटना चाहती है लेकिन क्रिस उसे रोकता है। एलन क्रिस से कहती है अगर तुमने कैथी के बाल नहीं काटे तब वो एक हफ्ते तक इन लोगों को खाना नहीं देगी। लेकिन क्रिस कैथी के बाल नहीं काटता है। इसके बाद वो कई दिनों तक इन लोगों को खाना नहीं देती है लेकिन एक रात उसे बच्चों पर दया आ जाती है और वो कुछ फल लेकर इन लोगों के पास आती है। जब ये लोग खाना खाकर सो जाते हैं तब वो कैथी के बालों में दाग लगा देती है। इसके बाद क्रिस को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। इस दौरान कैथी काफी इमोशनल हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग रस्सी के सहारे उसी रात नीचे आते हैं और नीचे आकर वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ से नीचे आने के बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अगले दिन कॉलिन इन लोगों से मिलने के लिए आती है और वो बच्चों को ये बताती है कि उसने शादी कर ली है। ये जानकर क्रिस को कॉलिन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है हम लोगों की हालत एक साल से बहुत खराब है और तुम बाहर जाकर शादी कर रही हो। लेकिन कॉलिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन हम लोग एलन को देखते हैं। वो बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर आती है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तभी क्रिस एलन के पास जाता है और बहुत ही चालाकी से अपने रूम की चाबी का छाप साबुन पर ले लेता है। अब ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे। इसके बाद ये लोग सोचते हैं वो लोग चुपके से घर में जाएंगे और कुछ पैसे चुराएंगे। जब उनके पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे तब वो लोग यहाँ से भागने की सोचेंगे। क्रिस अब उस रूम की डुप्लीकेट चाबी बना लेता है। इधर क्रिस और कैथी जब कॉलिन के रूम से पैसे चोरी कर रहे थे तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन उन जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद कॉलिन उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ वक्त बाद कॉलिन वापस आकर इन लोगों को बताती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था और जिसके कारण उसकी मौत हो गई और मैंने उसे दफना दिया। कॉलिन दफनाने के बाद इन बच्चों से इसलिए कहती है ताकि ये लोग उसे देखने की जिद ना करें। ये सुनने के बाद ये तीनों बच्चे कॉलिन से बहुत नफरत करने लगते हैं। अब क्रिस और कैथी उसी रात भागने की सोचते हैं। इसके बाद ये लोग एक बार फिर से उस रूम से निकलते हैं और घर में पैसे चुराने के लिए जाते हैं। लेकिन क्रिस को नौकरों से एक बात पता चलती है कि कॉलिन के डैड को मरे हुए 7 महीने हो चुके हैं। लेकिन कॉलिन ने अब तक बच्चों को इसके बारे में नहीं बताया है। ये खबर सुनते ही जब क्रिस अपने रूम में जा रहा होता है तभी वो एलिन को देखता है। जब वो यहाँ से वापस जाने लगता है तब एलिन भी उसे देख लेती है। जब क्रिस रूम में आता है तब वो देखता है इन लोगों का पालतू चूहा उस खाने को खाकर मर गया है। खाने को एलिन लेकर आई थी
ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि एलन उनके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर देती थी ताकि वो इन बच्चों को मार दे और इनके भाई की जान उसी खाने को खाकर गई है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी एलन वहाँ आ जाते हैं और वो क्रिस से चाबी मांग लेती है, लेकिन क्रिस एलन को वो चाबी नहीं देता है और वो कैथी को एटिक में जाने के लिए कहता है। एलन भी इन लोगों के पीछे आने लगती है तभी क्रिस एटिक का दरवाजा बंद कर देता है और सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है क्योंकि वो ये बात जानता था कि एलन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसका फायदा उठाते हैं और एटिक की तरफ जाने लगते हैं। तभी एलन डर से इन लोगों को बताती है कि उस खाने में जहर डालने का आइडिया मेरा नहीं था बल्कि ये आइडिया तुम्हारी माँ कॉलिन का था। ये सुनकर कैथी और क्रिस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी माँ से पहले ही बहुत नफरत करते थे, इसलिए उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके ये लोग नीचे उतर जाते हैं तभी एक आदमी इन लोगों की तरफ गन पॉइंट कर देता है और इन लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन जब कैथी उस आदमी को सच्चाई बताती है कि वो लोग कॉरिन के बच्चे हैं और कॉरिन उनकी माँ है तब वो आदमी सब कुछ समझ जाता है और इन लोगों को यहाँ से जाने देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।